आज हम आपको कुछ उपकरण और आविष्कार लेके आए हैं जो कि आपको याद करने बहुत इजी रहते हैं। आप ज़्यादातर ये भूल जाते हैं कि कौन सी उपकरण किसने आविष्कार करा, किसने किसका आविष्कार करा। आप ये तो याद कर लेते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस का जे गुटनबर्ग ने करा, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि अगर आपको ये सारे ऑप्शन दे दिए जाए, आप ये भूल जाते हैं कि यहाँ हमने ये तो पढ़े थे लेकिन ये भूल गए, इसका ये था उसका ये था। इससे आपको याद रहेगा कि किसका क्या था। जैसे प्रिंटिंग प्रेस, जे गुटनबर्ग, प्रिंटिंग प्रेस जो होती है बहुत ही कॉस्टली होती है प्रेस खोलनी, तो हम एक बहुत सारे गुट होता है गुट में खोलेंगे उसे, बहुत सारे लोगों ने गुट बना लिया उसे मिलकर हम प्रेस खोलेंगे, तो प्रिंटिंग प्रेस जे गुटेनबर्ग गुट में खोलेंगे प्रेस। कार वाष्प वाली, निकोलस कुगनॉट, कार वाष्प वाली है, हमारी ये स्टीम वाली कार है। कुगनॉट मतलब कि इसमें अब स्टीम निकल रही हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस पर खाना बनाने बैठ जाओ, इसका मतलब कुक नॉट, इस पर आपको खाना नहीं बनाना है। कुक नॉट कार कुग नॉट, आपको ये जहाँ भी कुग नॉट लिखा है आपको याद रहेगा कि हाँ हमने ये पढ़ा था कि कार है इसमें स्टीम निकलती है, तो कुग नॉट हमें इस पर कुक नहीं करना है। लघुगणक लॉगरिथम, लॉगरिथम होते हैं अब बहुत हैवी होते हैं याद करने, तो आपको झपकी आ जाती है, नैप आ जाती है, सो पढ़ते पढ़ते तो हम इस पर कहा कि हमें लॉग को काम करते कर लॉग पढ़ते पढ़ते नैप आ गई, हमें नींद सी आ गई, जबकि आ गई हमें, तो नैप ईयर आपको से याद रहेगा कि हमें लॉक को पढ़ते पढ़ते नैप आ गई, नैप ईयर। रिवॉल्वर सैमुअल कॉल्ट, सिल्वॉल्वर होती है वो बहुत ही, जिसके पास होती है वो कहता है कि तुम ज़्यादा तुम्हारे पास रिवॉल्वर है अब तुम थोड़े वो हो जाओ कोल्ड हो जाओ, रिवॉल्वर ज़्यादा अपनी पॉकेट में रख लो, ज़्यादा बोलो मत ना, सैमुअल कॉल्ट, आप ज़्यादा बोलो मत थोड़े कोल्ड हो जाओ नहीं तो किसी को गोली लग जाएगी, कोई मर जाएगा, तो कहते हैं रिवॉल्वर सैमुअल कॉल्ट। ओए मुए कोल्ड हो जा थोड़े से, हम ये कहते हैं ना ओ मुए थोड़ा कोल्ड हो जा। रेडियो जी मार्कोनी, अब रेडियो है हमारा रेडियो चल नहीं रहा था, मतलब कोनी मार मार के चला उसे स्टार्ट करेंगे, तो रेडियो जी मार्कोनी। आपको जहाँ तक ये पसंद आएगी वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो लाइक अवश्य करें।